हाय गाइस, हैव यू डूइंग वेल? वेलकम बैक टू केंद्र ब्यूटी चैनल। तो आज हम देखेंगे कि ड्राई स्किन के लिए मेकअप कैसे किया जाता है, जो कि ये मेकअप लुक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ ये स्क्रब से। मेक श्योर कीजिए कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपना फेस अच्छी तरह से स्क्रब करें मेकअप करने से पहले। और उसके बाद मैं हाइलोरोनिक एसिड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये आपके जो फेस पर मॉइस्चर को सारा दिन लॉक इन कर देता है और आपका फेस सारा दिन हाइड्रेटिंग एंड प्लम रहता है। तो ये मैं लगा रही हूँ इसके लिए। और उसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बोरोलिन। बोरोलिन एक हल्का सा, नॉट हल्का सा, थिक मॉइस्चराइजर है। तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप ये यूज़ करें। और उसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज ए प्राइमर। प्राइमर के साथ साथ ये थोड़ा हाइड्रेटिंग भी है, मॉइस्चराइजिंग भी है और आपका फेस फ्रेश रहता है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही 24 घंटे तक टिका रहेगा, कहीं भी इधर उधर का इधर नहीं होगा। और अच्छी तरह से अपने फेस पर फैलाकर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो बस ये आपको चीज़ें करनी है आपके ड्राई स्किन के लिए। और ये मेकअप गर्मियों में भी अगर आप करेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इधर का उधर नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन भी लॉन्ग लास्टिंग है और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हमने यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैं आंखों के नीचे भी इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो इसको मैं एज ए कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ आंखों के नीचे। मेरे हल्के हल्के डार्क सर्कल हैं, अगर आपके ज़्यादा है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद जो आईब्रोज हैं उसको स्पूली से मैं उनकी शेप में ला रही हूँ। ये ऐसा करने से आईब्रोज़ की अच्छी शेप आती है और फिल इन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैं आईब्रो पेंसिल से इसको फिल इन कर रही हूँ। मैं नीचे लिंक दे दूँगी कौन सी पेंसिल या कौन से प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से फिल इन करने के बाद मैं हल्का सा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ आज पहले से। फिल इन करने के बाद मैं आंखों के ऊपर कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि इससे आई शेडो टिका रहता है सारा दिन। और अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और उसके बाद मैं ये पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर वी पर। अच्छी तरह से अपने इनर वी और आउटर वी पर मैं ये पिंक कलर यूज़ करूँगी, दोनों तरफ अपने कलर को पैक कर दूँगी अपनी आईलिड पर अच्छे से। और उसके बाद मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा डार्क पिंक है, पहले वाले कलर से डार्क है। तो जहाँ जहाँ मैंने पहला कलर लगाया है वहाँ वहाँ मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। और मेक श्योर कीजिए अपनी क्रीज पर भी दोनों कलर को ब्लेंड कर दीजिए अच्छे से, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। और उसके बाद मैं ये वाला कलर जो पर्पल शिमरी पर्पल कलर है उसको हाथों से लगाऊंगी और अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पर लगा लूंगी फिंगर की सहायता से। बस ये लगाने के बाद ये हो गया मेरा मेकअप, आई मेकअप लुक। अभी मैं नीचे वाटर लाइन के नीचे भी सेम जो हमने क्रीज पर पिंक और डार्क पिंक कलर लगाए थे वाटर लाइन पर लगा लूँगी। अभी मैं दूसरी आंख पर भी सेम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों कलर को नीचे वाटर लाइन के नीचे भी लगा रही हूँ। इससे आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। ये स्टेप अगर हम ना करेंगे तो ऐसा लगता है कि आई मेकअप हमारा अधूरा है, तो ये स्टेप को बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद मैं किको का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है और इंटेंस ब्लैक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। और मैं गाइड एज ए गाइड यूज़ कर रही हूँ, जो फाउंडेशन या क्रीम का पिछला हिस्सा होता है ना उसको अपनी आँख पर रखकर थोड़ा सा विंग आईलाइनर मैंने शार्प किया था। और या बस अब यह सेम मैं दूसरी आई पर भी कर रही हूँ। ऐसा क्या होता है, एक तो विंग दोनों तरफ इवन आता है और दूसरा
काफी शार्प सा आपका जो विंग आता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आईलाइनर लुक आया है। और उसके बाद मैं ये आईलैशेस यूज करी जो कि मैंने ईबे से ली थी सिर्फ $2 में, और मैंने इसको ऑफ स्क्रीन लगा लिया क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है यार आईलैशेस लगाना। और उसके बाद मैं वाटर लाइन पर यूज कोई कोल पेंसिल लगा रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन की तरफ से है। और अभी बारी आती है अपने फेस को हल्का सा हाईलाइट एंड कंटूर करने की। तो मैं सारे जहाँ जहाँ मुझे जरूरत है वहाँ वहाँ मैं अपनी लाइट शेड का कंसीलर यूज कर रही हूँ और अच्छी तरह से उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। जहां जहां हमें हाईलाइट करते हैं वहां वहां मैंने लगा लिया है, और अच्छे तरह से हमें इसको ब्लेंड करना है, कोई भी वाइट एशी लुक नहीं आना चाहिए। और उसके बाद ये थोड़े से मैं नखरे कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट लिया है, और ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो हल्का सा मैंने लिया है और इसको मैंने बस ब्लेंड कर दिया है अपने चीक्स पर। और उसके बाद ये कीको का ब्लश लिया है, इसको हल्के हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ। ये शिमरी ब्लश है तो हमें हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है इतनी, तो अपने आपके चीक्स पर वैसे ही ग्लो सी आ जाएगी इसको यूज़ करने के बाद, जो कि गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है रेड कलर का, हल्का सा रेड पिंकिश कलर था। और उसके बाद ये फोकल और का ये लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है मैंने, तो इसको मैं लगा लूँगी। शेड मैं नीचे लिख लूँगी कौन सा शेड था। तो ये था कंप्लीट लुक। आई रियली होप यू गाइज आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके जो क्वेश्चन है किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी जो होम रेमेडीज DIY फेस पैक DIY फेस पैक वहाँ डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।